इन्फ्लुएंजा वायरस ह्यूमंस का बिहेवियर ऑल्टर करते हैं। लोग इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद बहुत ज्यादा सोशल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने दोस्तों से मिलते हैं, पार्टीज में जाते हैं। जब वो पार्टीज में जाते हैं और दूसरे लोगों से मिलते हैं, ये वायरस बाकी सब में ट्रांसफर होता है। इस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस अपने बेनिफिट के लिए ह्यूमंस को और ज्यादा सोशल बना देता है। हाय, मैं हूं वर्धनम डागा और ये मेरे फेक ग्लासेस हैं जो कि मुझे बहुत ही कूल और नर्डी बनाते हैं। और आज मैं आपको माइंड ऑल्टरिंग पैरासाइट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो पैरासाइट होस्ट के दिमाग में घुसकर उसके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो जो पहला पैरासाइट देख रहे हो उसे हम कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, और ये पैरासाइट रैट्स को इन्फेक्ट करता है जब रैट कैट्स के फीसिस को खा लेते हैं। फिर ये पैरासाइट रैट्स के बिहेवियर को कुछ ऐसे ऑल्टर करता है कि रैट्स अब कैट्स से बिल्कुल नहीं डरते हैं, इनफैक्ट वो कैट्स को अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कैट के स्मेल से, कैट के यूरिन से भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं। रैट्स अब कैट्स के एरिया में बहुत इजीली घूमते फिरते हैं और इसी कारण कैट्स रैट्स को बहुत इजीली खा सकते हैं। कोई कैट किसी इन्फेक्टेड रैट को खाता है तो ये जो पैरासाइट है वो कैट के इंटेस्टाइन में जाके अपनी जगह बनाता है जहां पे वो रहता है और नरिशमेंट पाता है, और फिर वापस से जब उसके बच्चे होते हैं तो वो कैट के फीसिस में निकल जाता है और फिर उसे कोई रैट खाता है एंड वो रैट का माइंड ऑल्टर हो जाता है और वो किसी कैट के पास चला जाता है। दूसरा जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो उस पैरासाइट को कहते हैं लेडीबर्ड पैरासाइट, एंड ये पैरासाइट बेसिकली एक इंसेक्ट होता है जो कि जाके लेडीबर्ड के अंदर अपने एग्स को डिपॉजिट कर देता है। एग्स हैच करते हैं तो एग्स के जो लार्वे है वो लेडीबर्ड के बॉडी के अंदर ही रहते हैं और धीरे धीरे बॉडी को खा जाते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद वो लेडीबर्ड के बॉडी से निकल के बॉडी के नीचे रहते हैं एंड लेडीबर्ड को कम्प्लीटली एक जॉम्बी की तरह कंट्रोल करते हैं। उसे किसी सेफ स्पॉट पे ले जाते हैं जहाँ पे वो रहे के अपना फर्दर डेवलपमेंट कर सके। रेबीज वायरस के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, ये वायरस कुत्तों को इन्फेक्ट करता है, उनके बिहेवियर को और ज्यादा अग्रेसिव कर देता है जिससे कुत्ते एक दूसरे को और बाकी सब लोगों को भी काटना चालू कर देते हैं। ये वायरस कुत्तों के सलाइवा में रहता है, इसी तरह वो एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में ट्रांसमिट करता है। अब जो पैरासाइट देख रहे हो उसे कहते हैं हॉर्स हेयर वर्म, और ये पैरासाइट इन्फेक्ट करता है क्रिकेट्स को। क्रिकेट्स को पानी के पास रहना नहीं पसंद है लेकिन इन वर्म्स को पानी में रहना बहुत ही पसंद है। तो जब कोई क्रिकेट किसी इन पैरासाइट के अंडों को खा लेता है तो ये पैरासाइट क्रिकेट के बॉडी में जन्म लेता है और फिर धीरे 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 क्रिकेट के बिहेवियर को ऐसा ऑल्टर करता है कि ये क्रिकेट खुद जाके पानी में छलांग मार के सुसाइड करते हैं, और फिर ये वर्म उनकी बॉडी से निकलता है और पानी में रहता है। और फिर दोबारा जब इसे अंडे देना हो तो ये कोई लीफ में जाके अंडों को देता है, और फिर उस लीफ को जब वो क्रिकेट खाता है तो उसके बॉडी में दोबारा ये वर्म जन्म लेता है और उसके दिमाग को ऑल्टर करके उसे पानी में सुसाइड मरवाता है। ये जो इमेज देख रहे हो वो है एक जॉम्बी एंट फंगस का। ये फंगस के जो स्पोर्स है वो हवा में मूव करते हैं, और मूव करते करते जब भी वो किसी एंट के ऊपर आते हैं तो एंट के बॉडी को पेनिट्रेट करके उसके अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद जो एंट है वो बिल्कुल जॉम्बी की तरह बिहेव करता है, वो अपने घोंसले से निकल जाता है और जॉम्बी की तरह फॉरेस्ट में मूव करने लगता है। और जब वो किसी एक ह्यूमिड लीफ पे आता है जो कि फंगस ग्रो करने के लिए एकदम सूटेबल एनवायरमेंट है, वो एंट उस लीफ को जाके पकड़ लेता है और फिर वही रहता है। कुछ दिनों बाद ये जो फंगस है वो एंट को तोड़ के एंट के ऊपर से ग्रो करता है एंड फिर उस ग्रोथ से बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं जो कि बाहर जाके और एंट्स को इन्फेक्ट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉजिंग वायरस होता है, वो एक्चुअली जब मच्छरों को इन्फेक्ट करता है तो वो मच्छरों के काटने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है। प्लाज्मोडियम वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद मच्छर और काटते हैं, और इस तरह ये वायरस मच्छरों के बिहेवियर को ऑल्टर करके ह्यूमंस में फैलते हैं। तो अभी मैं यहाँ खड़े होकर यही सोच रहा हूँ कि मेरे बिहेवियर में पैरासाइट्स का कितना ज्यादा हाथ है।